हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिगाड़ी पटेल एकेडमी। मैं हूं संदीप गुप्ता और चलो आज वेक्टर्स के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, जो हमने लास्ट लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन समझा था, उसके बेसिस कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे यूज करते हैं वो भी सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशन पार्ट पे डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। कहाँ यूज करना है, किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ किस किस कैसे क्वेश्चंस में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से भी हम इसको समझेंगे। सबसे पहले मालूम है आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल है बच्चों, ए और बी के बीच का स्मॉलर एंगल है, छोटा सा एंगल है ना। ओके, देखो मैंने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है, पहले मैं इसको एक बार आपको समझाता हूँ, फिर इसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे। सबसे पहली बात है डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कम्यूटेटिव होता है नेचर में। कम्यूटेटिव समझते हो ना, ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ओके, दूसरा है डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है नेचर में। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब भी समझते हो ना, अगर मान लो ए डॉट निकाल रहे हो, अंदर है आपका बी प्लस सी, तो या तो पहले इसको आप ऐड करके उसके बाद निकालो डॉट प्रोडक्ट, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दोनों का मतलब सेम आएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसको थोड़ा सा समझ लो आप, ठीक है। मान लो एक वेक्टर को उसी के साथ आपने उसका प्रोडक्ट निकाल दिया, मतलब आप क्या निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे अगर निकालोगे तो पहले मुझे बताओ कि ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री है ना, दोनों सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे ए इंटू ए इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, वन, यानी ए स्क्वायर। ए क्या है बच्चों, ए इसका मैग्नीट्यूड है, तो वही तो यही फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे आपको मैंने बताया, यही तो प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए का जो भी आएगा मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। ये बहुत यूज होगा, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। जब एक वेक्टर को उसी के साथ आप निकालते हो डॉट प्रोडक्ट, तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर होता है। और ये तो आपको मालूम ही है कि डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हो टू परपेंडिकुलर वेक्टर का, है ना, मतलब ए डॉट बी जीरो होगा जब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, जो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है स्केलर प्रोडक्ट का, वो है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। मान लो कि आपको दो वेक्टर गिवन है, लेट सपोज आपको ये वेक्टर ए वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर एक बी वेक्टर गिवन है, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल आपको नहीं मालूम है, तो कैसे निकालोगे एंगल, यू विल टेक हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या हेल्प लोगे आप, आपको मालूम है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। देखो ये याद रखो, जब भी मैं ए इंटू बी लिखता हूँ, ए लिखता हूँ बिना एरो का, उसका मतलब होता है कि वो ए का मैग्नीट्यूड है, और बी लिखता हूँ मतलब बी का मैग्नीट्यूड है। यहां से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो,
यानी थीटा निकालने के लिए सिंपल आपको क्या मालूम होना चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है ये गिवन होना चाहिए और ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप निकाल सकते हो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल कैसे, क्या कौन सा एग्जांपल है आपको मालूम है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मान लो किसी क्वेश्चन में आपको फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5 न्यूटन और वर्क डन बाय दिस फोर्स ये दिया हुआ है 25 जूल, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है देखो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो इसी पेज को सॉल्व कर सकते हैं ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट एस, मतलब आप क्या लिखोगे, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क कितना है बच्चों, वर्क है 25, ये कितना है 10 × 5 × कॉस थीटा, करेक्ट है, यानी कॉस थीटा कितना हो जाएगा 25/50 मतलब 1/2, यानी एंगल कितना है 60 डिग्री, ये आपका एंगल आ गया। तो ऐसे आप यूज करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का जब आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो। ठीक है, मान लो कि आपको आई जे यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर आपको दिया है, ठीक है लेट सपोज इस फॉर्मूला को ध्यान समझना, मान लो कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सॉरी ए वाई ही होगा ना एक सेकंड ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बच्चों उसको मैं लिखता हूं b वेक्टर और वो कितना है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, क्या लिखा मैंने, मैंने वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा और मुझे निकालना क्या है, मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो ए डॉट बी, लास्ट क्लास में आपको मालूम है कि ए डॉट बी क्या होगा और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता ही आता है ना, यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों बताओ, एंगल का फॉर्मूला क्या मैंने बढ़ाया, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला होना कैसा चाहिए, ठीक है ये फॉर्मूला ए डॉट बी जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो एक्स आई आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड और तीनों को ऐड करते हो, ये था ना फॉर्मूला, देखा है लास्ट लेक्चर ना, नहीं देखा है तो जरूर देखो, उसको देखोगे तब ये और अच्छे समझ में आएगा है ना। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और किसी वेक्टर का जिसको आपने इस फॉर्म में लिखा है इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही ना, वैसे ही बी का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, फिर से अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, इस फॉर्मूला से आपको एंगल निकालना है। आप बोलोगे सर इसका भी एग्जांपल हो जाए, तो चलो हो जाए एग्जांपल ये लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें ताकि थोड़ा और अच्छे समझ जाओ आप। मान लो एक वेक्टर है, ए वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस k
और एक बी वेक्टर है, ये है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस टू के वेक्टर, और आपको बोला गया इन दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना होगा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। पहले आप सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं करता हूं। क्या आया होगा आपका आंसर? देखो आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा। कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया? जो मैंने अभी यहां पे लिखा है। पहले आपने यूज किया होगा, क्या लिखा होगा? cos थीटा इक्वल टू a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। a डॉट b कितना हो जाएगा? बस i वाले ये को कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले को करेंगे, k वाले को करेंगे और ऐड कर देंगे। यानी यहां पे 1 है ना, तो 2 इंटू 1 यहां पे 4 इंटू 1 और यहां पे 1 इंटू 2। ऊपर का काम तमाम हो गया, a डॉट b वही है। अच्छा, a का मैग्नीट्यूड चाहिए ना अब आपको। a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर से यहां पे आ जाओ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व, सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, ये कितना हो गया? 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2 8। दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस 16 20 प्लस 1, अंडर रूट 21 और इंटू ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 6। यानी आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया cos थीटा इक्वल टू 8 बाय, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 126। ठीक है, या तो एंगल इस फॉर्म में दिया रहेगा या आपको दिया रहेगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 बाय अंडर रूट 126। दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। सिंपल है, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर का के बीच का आप एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आया? दूसरे में चले, सेकेंड एप्लीकेशन में चलो देखते हैं। ओके, अब देखो जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो फर्स्ट पे ही थोड़ा बेस्ड है ना, लेकिन ये इस पे, इसको मैंने अलग से बताया क्योंकि इस पे क्वेश्चन, इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। क्या क्वेश्चन होता है कि आपको ये चेक करना है कि कोई भी दो गिवन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी और दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसको कैसे चेक कर सकते हो? आपको मालूम है अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो। तो कोई भी दो वेक्टर का आप निकाल के देख लो डॉट प्रोडक्ट, और अगर वो जीरो है इसका मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है, और अगर जीरो नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन है। जैसे मान लो मैंने आपको एक वेक्टर लिया, मान लो मैं ऐसा एक वेक्टर लेता हूं 2i-3j+k और एक दूसरा वेक्टर लेता हूं, ठीक है, 3i-4j+6k और मुझे बताओ क्या ये ए वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है क्या? तो क्या निकाल के चेक करोगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी निकाल के चेक करो, अगर ए डॉट बी जीरो होता है देन यू विल कंक्लूड दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो चलो निकालते हैं। आपको मालूम है a डॉट b निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। a डॉट b कैसे निकालते हो? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहां पे अगर आपने निकाला a डॉट b, तो क्या है कि अगर मान लो कि वेक्टर a दिया हुआ है, a वेक्टर है 2i-4j+3k और दूसरा वेक्टर है mi-2j+2k
और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। m का क्या वैल्यू होना चाहिए कि a वेक्टर b वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे a डॉट b, दैट इज एक्चुअली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू जीरो, और इसको यूज करके मुझे बताओ m का क्या वैल्यू आएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में m इक्वल टू क्या आया वो लिख के दिखाओ। ठीक है, आई होप आप कर लोगे, है ना। ओके ओके, थर्ड नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है स्केलर प्रोडक्ट का, वो ये है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो आप पहले पढ़ चुके हो उसको आप डॉट प्रोडक्ट के रूल से भी समझ सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है कैसे समझेंगे, आपको मालूम है कि अगर मान लो ये r वेक्टर को हमने अभी तक क्या लिखा था, एडिशन ऑफ, पहले एडिशन समझते हैं, एडिशन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो जब आप r वेक्टर को r वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, यही आता है ना। ठीक है, तो अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ r को अगर मैंने सिंपल r लिखा है ना, या चलो ऐसे लिखते हैं, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इज एक्चुअली इक्वल टू r डॉट r। आर कितना है बच्चों, ये है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट। जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हो, ठीक है, अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट, जब आप, मैंने यहां पे डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में मैंने आपको बताया जब किसी एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, यानी आर स्क्वायर को आर कैप, मतलब आर के जगह में हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी, और चूंकि आर डॉट आर है मतलब ए प्लस बी डॉट ए प्लस। अब थोड़ा बच्चों इसको एक्सपेंड करके देखो, ए डॉट ए क्या आएगा, ए डॉट ए, फिर यहां क्या आएगा, ए डॉट बी, ऐसे कर लिया मल्टीप्लाई, बी से करके देखो ये क्या आएगा, बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी। अब इसके हिसाब से देखो, जब आर डॉट आर करते हैं तो आर स्क्वायर होता है, तो ए डॉट ए करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा, और अभी आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब a डॉट b और b डॉट a सेम होगा, तो ये भी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, और वैसे ही b डॉट b क्या हो गया, b स्क्वायर। इधर आप क्या निकाल रहे हो, इधर आप r स्क्वायर निकाल रहे हो, तो r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जो आपने एडिशन का, एडिशन वाले कॉन्सेप्ट में निकाला है, डिराइव किया था। तो एडिशन का कॉन्सेप्ट जो उतना आपने बड़ा किया था, सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वैसे ही एडिशन का जब करोगे तो यहां पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ले लेना, सॉरी सब्ट्रैक्शन का जब करोगे तो यहां पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और यहां पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, आप क्या करोगे, आप निकालोगे आर स्क्वायर इक्वल टू, या आप इसको ऐसे समझो कि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब तो आर स्क्वायर हो गया, और इसको आप एक्सपेंड करो और देखो जो आपने सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया था वो आता है कि नहीं, वो भी आपका होमवर्क है। तो आज के लेक्चर में ये दो होमवर्क है, एक तो ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला निकालना है आपको यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा पहले वाले क्वेश्चन में एम का वैल्यू बताना। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट के दो लेक्चर में, एक में हमने उसका इंट्रोडक्शन समझा, दूसरे में प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब जब लाइव क्लास होगा, ठीक है,
तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्कलर प्रोडक्ट पे, ठीक है। वो क्लास कब होगा वो मैं आपको नोटिफिकेशन पोस्ट करके बताऊंगा, ठीक है। चलो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।